हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्या भारद्वाज आप सभी को हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरा ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। बस आज लाइव आने का मेरा एक ही माध्यम है, एक ही पर्पस है। आप सबको पता है कि आशिफा एक मासूम बच्ची जिसके साथ इतना गलत हुआ, इतना गलत हुआ, मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए ना उतना कम है, जितना हम इस चीज का निंदा करें उतना ही कम है। मुझे आज बहुत ही बोलने में ग्लानि महसूस हो रहा है और बहुत दुख हो रहा है, और दुख इस बात का मुझे खास करके ज्यादा हो रहा है कि आज लोग जो तिरंगा लेके निकल रहे हैं बाहर, वो आशिफा का इंसाफ नहीं है, वो उसके बलात्कारियों को बचाने का इंसाफ है। क्योंकि आप सबको पता है, एक मासूम बच्ची, 6 से 8 साल के बीच की बच्ची एक उम्र की, जिसको ये भी नहीं पता कि मैं ये कपड़े पहनी हूं तो क्यों पहनी हूं, जिसको ये भी नहीं पता कि ये रिश्तों के मायने क्या होते हैं, जिसको ये भी नहीं पता कि ये अगर मुझे बुला रहे, कुछ बोल रहे तो है क्या, ये क्यों ऐसी चीजें हैं, ये सारी चीजें पता ही नहीं है। और मतलब मेरी आवाज नहीं निकल रही है। आसिफा जिस एक मासूम, मतलब मुझे ना मुंह में मेरे बता नहीं सकते, अब शब्द आ रहे हैं उन दरिंदों के लिए। मैं कंट्रोल की हूं खुद को। एक प्यारी सी बच्ची, वो भी इतना दर्दनाक, एक छोटी सी बच्ची को, कच्ची उम्र जो होती है उसमें 6 वर्धक दवाइयां खिला के उस बच्ची के साथ सेक्स किया जाता है। ऊपर से कॉल आता है, फोन आता है कि अरे नहीं, अभी मरने मत देना, अभी मैं भी आ रहा हूं। लाइन लगाई जाती है, गैंग रेप होता है उस बेचारी बच्ची का। यहां तक लास्ट में जब वो मरती नहीं है बच्ची, उसके मरने का वेट किया जाता है आशिफा का, और लास्ट में उसके सर पे पत्थर से मार के उसको अंतिम सांसें छीन ली जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? अरे मैं पूरी जनता से बोलती हूँ, पूरी पब्लिक से मैं बोलती हूँ, सभी से मैं बोल रही हूँ, और मैं कोई गलत नहीं बोल रही। ये कैंडल मार्च करने से और ये तिरंगा लेके निकलने से आसिफा को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। ऐसा ही तो दामनी कांड भी हुआ था दिल्ली में, क्या उसको इंसाफ मिला? क्या हुआ? उसके घर की खुशियां वापस आई? नहीं आई ना। फिर सब कुछ हुआ बट खुशियां तो नहीं मिली। अगर करना ही है ना तो मैं तो बस एक ही चीज बोलूंगी, जो ये किया है ना उसको 20 सड़क पे खड़ा करके उसको नापुंसक बनवा दो, ताकि तमाम उम्र जब तक वो जिंदा रहे ना तो बस सोचता रहे कि आज मैंने ऐसा क्यों किया, आज मैं नापुंसक हूं, पेशाब भी ना कर पाए। उसके उस अंग पर ही तेजाब डाल दो जिस अंग से उसने उस बेचारी को क्षति पहुंचाया, क्षतिग्रस्त किया, उस लड़की को इस्तेमाल किया, उस हद तक उन लोगों ने उस लड़की को यूज किया, साले हरामी लोग, जब तक उस लड़की का अंग क्षतिग्रस्त नहीं हो गया पूरी तरीके से। ऐसे लोग का एक ही इलाज है, और सब लोग या तो जिंदा जला दो, नहीं तो उसके अंग पर डीजल डाल के आग लगा दो, नहीं तो तेजाब डालो ताकि वो पेशाब करने लायक भी ना रहे। बस इससे बड़ा क्या बोल सकते हो? अरे तुम लोग बोलते हो कि अरे छोटा कपड़ा पहनी थी, हमारे बहुत भाई बंधु बहुत लोग ये चीजें बोलते, अरे लड़की है छोटा कपड़ा पहनी थी इसलिए उसका रेप हो गया। अरे छोटा कपड़ा पहन के अगर कोई कोई बोल दिया, मान लीजिए सपोज दैट कि भैया, अरे कोई सपोज दैट बोल दिया, अरे भैया आपको पता है यहाँ पे घटा, अरे तो होना ही था ना, फलनवा की लड़की अपने लड़की को बिगाड़ रखा है, जब इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनेगी तो ये तो होना ही था। अरे तो ये बताओ उस बेचारी आसिफा की क्या गलती है? उसको उसको हम कहाँ से साड़ी लपेटना सिखाएं, उसको साड़ी कहाँ से पहनाएं?
जिसको पता भी नहीं कि इसका मायने क्या होता है, इसका मतलब क्या है, वजूद क्या है। उसको तो यहाँ तक बुरखे का भी वजूद नहीं पता कि अगर वो मुस्लिम है तो ये बुरखा हम क्यों पहनते हैं, ये हमारी तहजीब है कि नहीं है, उसको ये तक नहीं पता। और तुम आप लोग बात करते हो, अरे सच्ची बोल रहे ना, इस बातों पर दिल जल जाता है। फिर यही याद आता है ना कि अच्छे हैं वो माँ बाप जो पेट में ही अपनी बच्ची को मार देते हैं, आने से पहले, इस धरती पे आने से पहले ही मार देते हैं। शायद यही सोच है, यही सब चीजों की वजह से, इन्हीं सब चीजों की वजह से वो मार देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्या करेगी जब ऐसे हैवानियत चीजें क्रॉस हो चुकी है, बच्ची जाएगी, उसका भी यही होगा। तो जो आप लोग तिरंगा लेके निकल रहे हो, कैंडल मार्च कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। करना ही है तो ये अपील करो कि उसको पकड़ो और जिंदा जलाओ, तब उसको पता चले। मैं एक सवाल करती हूँ कि क्या ये जो बलात्कारी होती, क्या इनकी बहन बेटियां नहीं होती हैं? क्या इनकी भी तो बहन बेटियां होती हैं ना? आज मतलब पूरा इंडिया का नक्शा मैप बदल गया, हिल गया है। एक मासूम बच्ची जिसको इन सब चीजों की ABC तक नहीं पता, और उस बच्चे के साथ वो भी इस हद तक, जिंदा गोली मार दो, सीधा गोली मारो, 20 सड़क पर खड़ा करो और गोली मार दो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकती। और मेरी ये विनम्र निवेदन है आप सभी से, आप लोग को करना ही है तो आप लोग ये मांगो, ये अपील करो कि इसको जिंदा जलाया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर किसी को, मेरे किसी भी भाई बंधु बहनों को कुछ मेरी बातों से, अल्फाजों से बुरा लगा हो, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। बट आप लोग भी, आप मेरे जितने ही भाई बंधु हैं, आप लोग के भी घर में बहन है, बेटी है, माँ है, तो शायद आप लोग मेरे जज्बात को, मेरे बातों का कदर करेंगे। रियली मुझे बहुत बुरा लगा, आई कॉन्ट बिलीव दिस। मैं जब ये सुनी तो रियली मुझे बिलीव नहीं कि यह है क्या, आई कॉन्ट बिलीव दिस। क्यों भाई, एक लड़की को जब पूरी स्टोरी सुनी, यार तुम एक बच्ची के साथ इतना कुछ, तो प्लीज मेरा अपील है आप लोग आसिफा के साथ इंसाफ करो, जस्टिस करो यार, प्लीज आसिफा के साथ, बस आसिफ, अगर आसिफा को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो बस एक ही चीज मांगो कि जिंदा जला दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद।